ಹಲಲೂಯ್ಯಾ 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 ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಧನ್ಯವಾದೇಸು 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 अस्तुति हो प्रभु अस्तुति हो प्रभु अस्तुति हो प्रभु अस्तुति हो प्रभु अस्तुति हो प्रभु। महिमा करते हैं महाप्रतापी राजा, तारीफ करते हैं मेरा बदस्सान, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं प्रभु जी। आपके हजूरी में आते हैं प्रभु, आपकी संगति में, हाँ खुदा जी आपके संगति में आते हैं, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे हैं, आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं। हे खुदा अनुग्रह दीजिए, आज के लिए अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, दुलार दीजिए। धन्यवाद यीशु, आज का दिन तूने बनाया है हमारे जीवन में, तूने जोड़ा है आज के सुबह का प्रकाश से, तूने दिखाया है आज का भोर, तूने दिखाया है आज का सवेरा, हाँ सुख का सवेरा तूने हमें दिया है प्रभु। तहे दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, संपूर्ण मन से तुझे धन्यवाद देते हैं, हृदय की गहराइयों से प्रभु जी लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु एक और नए दिन में, हर नए दिन में हमें नींद से उठाने के लिए, जगाने के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे रात्रि तूने संभाला, अच्छी मीठी नींद दिया, सुकून भरी नींद दिया, सुख शांति चैन की नींद दिया, और एक और नए दिन में जगाया है कि हम तेरे संगति में आ करके तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें, तेरे प्यार को दुलार को पाए, आशीर्वाद को अनुग्रह को पाए। होने दीजिए प्रभु, तेरे संगति में आए हैं, अपने सीने से लगाइए अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। आज के लिए हमें अनुग्रह दीजिए, महिमा दीजिए, ज्योति दीजिए प्रभु जी, कि आज के पूरे दिन प्रभु जी हम चले फिरे आपको अपने सम्मुख जान करके प्रभु चले, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन से आपकी महिमा हो सके, आपकी तारीफ हो सके, आपकी बड़ाई हो सके। लॉर्ड जीसस धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु ने आपको और आपके परिवार को सेफ और सुरक्षित रखा, अभी तक स्वस्थ रखा है, कुशल से रखा है, चंगा भला रखा है, चुपे मत रहिए, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज हम आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए, प्रेम भाव एकता मेल मिलाप की आत्मा के लिए प्रभु से दुआ करेंगे। हालेलुया, बिखरा हुआ परिवार समेटा जाए, टूटी हुई रिश्ते जुड़ जाए, इसके लिए प्रभु से दुआ करेंगे। आपके जीवन में फिर से खुशियाँ आ जाए, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु फिर से आपका अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, इसके लिए दुआ करेंगे। आज की प्रार्थना और वचन में शुरू से अंत तक बने रहिए। आज की प्रार्थना और वचन आपके जीवन में प्रभु के काम को, प्रभु के महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, उन सबों के चिंता को प्रभु दूर कीजिए, तनाव को, टेंशन को, बेचैनी घबराहट व्याकुलता को, रोग बीमारी को खत्म कीजिए। शैतान से बचाइए, दुष्ट करुण मनुष्यों से बचाइए, हर एक हानि नुकसान, छोटे से खतरा दुर्घटना एक्सीडेंट से बचाइए खुदा।
कोई बिपतिया प्रभु पढ़ने मत दीजिए, कोई दुख है इन लोगों के डेरा के निकट, हाँ घर के निकट आने मत दीजिए, पारिवारिक कलेश से छुटकारा दीजिए, लड़ाई झगड़े से कलह से किचकिच से प्रभु छुटकारा दीजिए। अस्तुति हो प्रभु, अस्तुति हो प्रभु, अस्तुति हो प्रभु, अस्तुति हो प्रभु, महिमा हो खुदा, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु, धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आइए हम प्रभु के वचन को देखें, आइए हम देखेंगे कि आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह, हाँ आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हम सबों से क्या बातें करते हैं, क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं। जो वचन हम देखने वाले हैं मेरे प्रियो, वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 19 अध्याय के उसका 3-9 तक। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हाँ 19 अध्याय के 3-9 तक के वचन को देखेंगे, ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा है मेरे प्रियो। मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा है कि एक बार फरीसी लोग यीशु मसीह से पूछे, वो प्रभु से कहे कि बताइए क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है, अपनी वाइफ को त्यागना छोड़ना उचित है, क्या हम त्याग सकते हैं छोड़ सकते हैं। इस बार लिखा है मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह बोले कि जिसने आरंभ ही से नर और नारी करके बनाया, उसने एक कहा था कि मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों दो नहीं बल्कि एक तन होंगे, हाँ एक होंगे। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह फरीसी से बोले कि सुनो, जिसको परमेश्वर एक किया है उसको कोई अलग ना करे। इस पर लिखा है कि फरीसी लोग बोले कि मूसा ने तो ठहराया था कि कोई किसी भी कारण अपने पत्नी को त्याग पत्र दे करके छोड़ सकता है, उसे त्याग सकता है। प्रभु यीशु मसीह बोले कि तुम्हारे मन के कठोरता के कारण मूसा ये आज्ञा ठहराया था, पर अगर कोई भी व्यभिचार के सिवा किसी और कारण अपने पत्नी को त्यागता है, छोड़ता है और दूसरी से विवाह करता है, हाँ शादी करता है, तो वह व्यभिचार करता है और उसे छोड़ी हुई स्त्री से जो विवाह करता है, जो शादी करता है, वो भी व्यभिचार करता है। और लिखा है मेरे प्रियो गलतियों की पुस्तक 5:19-20-21 में कि व्यभिचारियों के लिए परमेश्वर के राज में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, वे लोग कभी परमेश्वर के राज में यानी कि स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। किसी भी कारण अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को त्याग नहीं सकती, नहीं छोड़ सकती। हाँ गलत संबंध है, किसी के साथ गलत रिश्ता है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन व्यभिचार के सिवा, गलत संबंध के सिवा कोई और कारण है तो आप नहीं छोड़ सकते। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना से सब संभव है, सब मुमकिन है। अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, चेंज करेगा। लिखा है पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय देगा। परिवार में कुछ अच्छा नहीं है, अच्छा होगा, परमेश्वर प्रेम भाव एकता मेल मिलाप की आत्मा देगा, सुख शांति समृद्धि देगा, पारिवारिक कलेश को खत्म करेगा, सारे दिक्कत परेशानी को खत्म करेगा,
आपका वैवाहिक जीवन आशीषित नहीं है, प्रार्थना कीजिए आशीषित होगा, प्रभु आशीषित करेगा, सब कुछ ठीक करेगा। आपके बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां हैं, उस दूरियां को प्रभु नज़दीकी में लाएगा। जो नफरत है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के अंदर जो बैर है, गुस्सा है, क्रोध है, प्रभु प्यार में बदलेगा, विश्वास में, प्रेम में बदलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले, जिसको परमेश्वर एक किया है उसको कोई अलग ना करे, वो खुद अलग ना हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना से सब संभव है, मुमकिन है, आसान है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं, आदर करते हैं खुदा। सहायता कीजिए प्रभु जी, वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीषित कीजिए। जो कलेश है वैवाहिक जीवन में, शादीशुदा जीवन में जो परेशानी है, दिक्कत है, बाधाएं, रुकावटें हैं प्रभु, प्रॉब्लम है, उलझन है प्रभु, लड़ाई झगड़ा है, दूरियां हैं, ख़त्म कीजिए। जो हस्बैंड अपने वाइफ से अलग रहते हैं, जो वाइफ है अपने हस्बैंड से अलग रहते हैं प्रभु जी, निकट लाइए स्वर्ग के पिता, एक कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी। जिनका परिवार बिखर चुका है समेट लीजिए, जिनके रिश्ते टूट रहे हैं टूटने मत दीजिए, बचा लीजिए, डिवोर्स होने, तलाक होने मत दीजिए, बचा लीजिए प्रभु। सारे दिक्कत, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, नफरत, क्रोध को, बैर भाव को ख़त्म कीजिए। धन्यवाद यीशु, आशीषित कर, ब्लेस कर, हर एक जोड़ों को आशीषित कर, ब्लेस कर खुदा। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, महिमा करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं। जिसके अंदर अपने परिवार के प्रति नफरत, क्रोध भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, बैर भरा हुआ है, निकाल दीजिए प्रभु जी, और प्रेम आदर भर दीजिए, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा भर दीजिए। सहायता कीजिए खुदा, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो, महिमा हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं स्वर्गीय पिता, चाहे वो बच्चा हो, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, प्रभु सबों को आशीषित कीजिए। इन सबों के परिवार में शांति बनी रहे, सुख चैन प्रभु बनी रहे, सहायता कीजिए। धन्यवाद यीशु, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, स्तुति हो पिता, सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आप पे सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी प्रभु जी हाँ आमीन में दिए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं खुदा जी। सहायता कीजिए पिताजी, स्तुति हो अब्बा, स्तुति हो अब्बा, स्तुति हो अब्बा, स्तुति हो अब्बा। धन्यवाद फादर, धन्यवाद पिता, महिमा करते हैं खुदा जी, तारीफ बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। सहायता, मदद, गाइड कर दीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए प्रभु जी, देख रेख कीजिए। धन्यवाद यीशु, आज के दिन में जिनको जो कुछ की जरूरत, आवश्यकता हो अद्भुत रीति से पूरा कीजिए, कमी घाटी हो दीजिए। आज सबों की सहायता, मदद, गाइड कीजिए, कामों में, कार्यों में सफलता दीजिए। घर से निकलेंगे, संग हो जाइए, मार्गों में रक्षा रखवाली कीजिए, सुरक्षा दीजिए। जिस कामों के लिए निकलेंगे उसमें सहायता करके सफलता दे, ताकि आपके नाम की जयकार करते हुए घर लौटे। धन्यवाद यीशु, सहायता कीजिए प्रभु, मदद कीजिए। जो दान दस मास दिए हैं, अपना उत्तम भंडार उनके लिए खोल दीजिए, और झांकिए जीवन में क्या चीज़ की कमी घटी है, जरूरत आवश्यकता है, और पूरा कीजिए अपने उत्तम भंडार से, पूरा कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कर्ज से प्रभु, सकेती से, दुखों से, दर्द, पीड़ा, रूप बीमारी, शैतान से, श्रापों से प्रभु छुटकारा, हाँ छुटकारा दीजिए, छुटकारा कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो प्रभु परमेश्वर, महिमा करते हैं खुदा जी, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए,
धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, 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 आपकी स्तुति हो पिता। सहायता कीजिए अब्बा, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक एक को जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग हाँ जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं सबों को आपके हाथों में देते हैं, समर्पित करते हैं, सौंपते हैं, ताकि सबके सब स्वस्थ रहे, चंगा भला रहे, आनंद करें, आप में खुशियाँ मनाएं, हर्षित रहें, हाँ हर्षित रहें, मंगल रहें। सहायता कीजिए लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते कमेंट के माध्यम से जो लोग हैं अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय हमें दिए हैं उस पर दृष्टि करके उतर हाँ आमीन में सबों को दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे, सबों के जीवन से आपकी स्तुति होती रहे। धन्यवाद यीशु, सहायता कीजिए, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों से मांगते हैं, हाँ आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं खुदा खुदा बनेशु, आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा अगर आप प्रभु के काम को करेंगे, प्रभु के राज के विषय में लोगों को बताएंगे, यीशु नाम बहुतों के पास पहुंचाएंगे, प्रभु के वचन को बहुतों के अंदर बोएंगे, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, हाँ प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में आपके नाम को दर्ज करेगा, लिखेगा, आनंद से अपने जीवन को बिताएंगे। जब पृथ्वी पर का दौर खत्म हो जाएगा तो प्रभु के राज में यानी कि स्वर्ग में, हाँ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आज शाम 4 बजे के प्रार्थना को जरूर रिसीव कीजिए, प्रभु के काम को देखिएगा, प्रार्थना को छोड़ना नहीं है, वचन को छोड़ना नहीं है, उपवास करना छोड़ना नहीं है, मजबूत रहिए प्रार्थना वचन और उपवास में, आगे बढ़िए, प्रभु के महिमा आपके जीवन में प्रकट होगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, प्रभु हाँ आमीन में आपको देगा, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।